हेलो बच्चों, आज हम जो हमारे पास एक्सरसाइज 3.4 है इसके कुछ बेसिक्स और इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो जो 3.4 एक्सरसाइज, इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले क्या है, एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स के अंदर आप कौन कौन से एलिमेंट, या फिर ये बोल दो हम किन को एलिमेंट्री ऑपरेशन बोलेंगे, तो कौन कौन से ऑपरेशन हम मैट्रिक्स के अंदर यूज़ करेंगे, तो वो चीज़ है इसके अंदर सबसे पहले। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स के अंदर जो हम ऑपरेशन यूज करेंगे वो तीन ऑपरेशन है, और उन्हीं ऑपरेशनों को क्या नाम दिया गया, एलिमेंट्री ऑपरेशन। अब वो ऑपरेशन हैं कौन कौन से हमारे पास, जैसे कि मान लो हम इनको समझने से पहले एक मिनट, ये हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है, ये कोई हमारे पास एक 3x3 की मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है। अब ये तो हमारे पास इसके अंदर रो फर्स्ट R1 नाम, ये होगा हमारे पास सेकंड रो, ये हमारे पास R3। तो आप फर्स्ट रो को लिखोगे R1, सेकंड रो को लिखोगे R2 और थर्ड रो को लिखोगे R3। ये सेम हमारे पास इस टाइप से कॉलम, तो ये इसको लिखोगे C1 कॉलम 1, ये कॉलम 2 और ये कॉलम 3, तो तीन कॉलम और तीन रो। तो कॉलम के नोटेशन के लिए C1 C2 C3 यूज करेंगे, और रो के लिए R1 R2 R3 यूज करेंगे। अब हम ऑपरेशन कौन से लगाएंगे मैट्रिक्स के ऊपर, तो जो हमारे पास सबसे जो पहला ऑपरेशन है वो क्या ऑपरेशन है, Ri changes to Rj। इसका मतलब क्या है, किसी एक रो को आप दूसरी रो से चेंज कर सकते हो, किसी एक रो को क्या कर सकते हो आप दूसरी रो से चेंज, यानी R एग्जांपल के लिए जैसे यहाँ पर मान लो R1 interchanges R2, तो क्या मतलब इसका, R1 की जगह पर R2 लिख दो, या रो R1 2 की जगह पर R1, ये इसका मतलब है। या फिर आप ये जो ऑपरेशन लगा रहे हो रो की जगह पर किसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो, कॉलम के ऊपर भी। तो कॉलम क्या हमारे पास, Ci कॉलम को Cj से चेंज कर दो, तो क्या चीज़ हमारे पास, अगर देखो इसके अंदर अप्लाई करके देखें, जैसे R1 इंटरचेंज R2, तो क्या मतलब इसका, ये तो R1 की जगह पे R2 लिख दो, या R2 की जगह पे R1। अगर ये ऑपरेशन अप्लाई करोगे तो मैट्रिक्स तुम्हारी क्या बन जाएगी, तो R1 की जगह पे क्या लिख देंगे, R2, तो 0 1 0, और R2 की जगह पे R1 1 2 3 0 1 1। तो इसका मतलब ये किसी रो को दूसरी रो से, इसकी जगह पे इसको लिखो, या फिर इसकी जगह पे इसको लिखो, Ij की वैल्यू हमारा जो भी आपकी मैट्रिक्स होगी वैरी करेगी, जहाँ तक M और N की वैल्यू वैरी करेगी उनके साथ, तो Ri को Rj से चेंज कर सकते हो। सेम ये चीज़ आप कॉलम के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो, कॉलम चेंज करो, जैसे फर्स्ट कॉलम को सेकंड से चेंज कर दो, या सेकंड को थर्ड से कर दो, या फर्स्ट को थर्ड से, तो कॉलम को भी इंटरचेंज कर सकते हो और रो को भी इंटरचेंज कर सकते हो। तो ये तो हमारे पास फर्स्ट ऑपरेशन जो आप मैट्रिक्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, चाहे रो के ऊपर अप्लाई करो या फिर आप कॉलम के ऊपर अप्लाई करो। सेकंड जो हमारे पास वो क्या है इसके अंदर, क्या चीज़ हमारे पास, के कोई भी एक नॉन जीरो स्केलर है। क्या चीज़ है के हमारे पास इसके अंदर, कोई भी एक नॉन जीरो स्केलर। अब नॉन जीरो स्केलर है तो इस ऑपरेशन को देखो लिखने का तरीका क्या, हमारे पास Ri जो एरो, ये हमारे पास एरो के बाद वही चीज़ हमें लिखनी है इसके अंदर। तो क्या Ri, क्या किया हमने, Ri को किससे मल्टीप्लाई किया, के टाइम्स। Ri की जगह पर Ri को आप किसे चेंज कर दोगे, यानी पूरी रो को Ith रो है उसको आप K से मल्टीप्लाई करके लिख दो, क्या करोगे, K से मल्टीप्लाई करके, लेकिन आपका जो स्केलर वो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। अब इसके लिए अगर हम देखें तो मान लो ये ऑपरेशन अगर अप्लाई करके देखें, जैसे मान लो ये मैट्रिक्स हमारे पास, जैसे R1 इम्प्लाइज 2 टाइम ऑफ R1, ये लिख दिया हमने, तो K की वैल्यू हमारे पास कितना होगी, 2। तो अब करना क्या, देखो लिखा किसकी जगह पे जाएगा, ये जो एरो से पहले है, यानी हमने जो नई मैट्रिक्स जो हमारे पास नई रो बनेगी वो R1 की जगह पे लिखनी। अब वो नई रो कौन है, जो ये पीछे वाली चीज़, ये हमारे पास नई रो है, तो R1 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से। R1 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो नई हमारे पास रो बनेगी वो किसकी जगह पे भी लिखनी है, हमने R1 की जगह पे, यानी R1 क्या मतलब है इसका, R1 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं भाई, 2 से। तो क्या होगा हमारे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 रखनी किसकी जगह पे, ये R फर्स्ट रो में ही, ये कितना होगा हमारे पास, 4, ये क्या हो जाएगा, 6, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बाकी मैट्रिक्स हमारी एज इट इज। तो यही ऑपरेशन सेम आप किसके ऊपर भी लगा सकते हो, कॉलम के ऊपर भी, किसी भी आप कॉलम को किसी नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। जो आप रो के ऊपर लगा रहे हो सेम वही ऑपरेशन आप किसके ऊपर भी लगा सकते हो, कॉलम के ऊपर भी। जब भी आप इसके बाद जो हमारे पास एक्सरसाइज आएगी 3.4 उसके अंदर हम ये ऑपरेशन यूज़ करें, इसलिए ये जो चीज़ें आपको सही तरीके से अप्लाई करनी आनी चाहिए। तो आप पहला ऑपरेशन क्या है, किसी रो को आप इंटरचेंज कर सकते हो, इंटरचेंज बोल दो, क्या बोलोगे इसको, इंटरचेंज करोगे Ri को Rj से, या Rj को किससे इंटरचेंज कर दो Ri से। सिमिलरली आप कॉलम के ऊपर भी ऑपरेशन लगा सकते हो,
कॉलम सी आई को किसे चेंज कर दो, सी जे से, या सी जे को किसे चेंज कर दो, मतलब यानी कि एक कॉलम को दूसरे कॉलम से चेंज कर सकते हैं। अब हमारे पास सेकंड ऑपरेशन क्या, आपके पास किसी एक रो को आप किसी नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। सिमिलरली आप किसी एक कॉलम को किसी नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये हमारे पास सेकंड ऑपरेशन है जो हम लगा सकते हैं मैट्रिक्स के ऊपर। और जो थर्ड ऑपरेशन हमारे पास, थर्ड ऑपरेशन क्या हमारे पास, थर्ड ऑपरेशन देखो क्या कि हमने चेंज तो इसकी जगह पे करना, हमने जो नई चीज़ हमारे पास बनेगी वो इसकी जगह पे लिखनी है हमने। अब जो किया क्या हमने, जिसकी जगह पे चेंज करना उसके साथ किसी को मल्टीप्लाई नहीं करना है, जिसकी जगह पे जिसको चेंज करना उसको किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना। अगर ये ऑपरेशन लगाना देखो आर जे, मतलब जे एथ रो को के से मल्टीप्लाई करके किसी में ऐड कर दिया हमने, जे एथ रो को के से मल्टीप्लाई करके आर आई एथ रो में ऐड कर दो, और जो नई चीज़ बनेगी वो हमने किसकी जगह पर रिप्लेस करनी है, आई एथ रो की जगह पे। तो क्या मतलब इसका, इसका ये मतलब है किसी एक रो, किसी रो को किसी नॉन किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके, किसी रो को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरी रो में आप ऐड कर सकते हो, और जिसमें वो ऐड करोगे उसी के अंदर वो आपने लिखनी है। अगर मान लो ये ऑपरेशन हम लगा करके देखें इसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर, तो देखो ये ऑपरेशन क्या होगा, जैसे मान लो हम ये लिख लें आर वन, तो एरो के बाद तो वही लिखना जो आपने पहले लिखा आर वन, चेंज किसकी जगह पर करना आर वन की, ठीक है भाई आर वन, जैसे ये लिख दो थ्री टाइम ऑफ आर थ्री। तो अब एक चीज़ देखो क्या ऑपरेशन का मतलब है, जो हमारे पास ये काम आपने निकालना है, ये चीज़ इसके अंदर करनी है, यानी क्या करना है आर वन फर्स्ट रो, फर्स्ट रो ये होगी हमारे पास थ्री टाइम ऑफ आर थ्री, थ्री को आर थर्ड रो को तीन से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर दो, और ऐड करने के बाद जो आएगी वो चीज़ किसकी जगह पर लिखनी है आपने आर वन की जगह पर, यानी कि जो नई चीज़ लिखनी है हमने आर वन की जगह पर, आर वन की जगह पर लिखनी है, तो यानी आर टू और आर थ्री के ऊपर तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो इनको तो लिख लो एक मिनट के लिए एज इट इज़ जीरो वन वन जीरो 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 वन 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 वन। अब देखो इनको आर वन के अंदर आपको किसको मल्टीप्लाई करना है, आर थ्री को तीन से मल्टीप्लाई करके आर वन से ऐड करना है। अब देखो मैं अगर आर थ्री को तीन से मल्टीप्लाई करूँ, तीन से मल्टीप्लाई करोगे जीरो, ये होगा थ्री, ये भी होगा हमारे पास थ्री, इसके अंदर ऐड करो जीरो होगा, तीन से मल्टीप्लाई करेंगे वन में ऐड करोगे तो जीरो प्लस वन वन, तो यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास वन। अब आर थ्री का ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट तीन से मल्टीप्लाई करो, तीन से मल्टीप्लाई करोगे थ्री प्लस टू, आर वन का क्या है टू, थ्री प्लस टू फाइव, फिर यहाँ पे आर थ्री का तीन से मल्टीप्लाई होने के बाद तीन ही बन गया तीन प्लस तीन कितना होगा हमारे पास सिक्स, तो ये ऑपरेशन आर वन की जगह पे क्या होगा हमारे पास चेंज। तो ये हमारे पास तीन ऑपरेशन है एलिमेंट्री ऑपरेशन इनको बोलेंगे, जो हम रो के ऊपर भी लगा सकते हैं और कॉलम के ऊपर भी, यही मैट्रिक्स के ऊपर हमारे ऑपरेशन वैलिड है, इनके अलावा कोई और ऑपरेशन मैट्रिक्स के ऊपर वैलिड नहीं। अब कोई अगर मान लो यूँ ऑपरेशन लगाने लग जाए आर वन इम्प्लाइज टू टाइम ऑफ आर वन फोर टाइम ऑफ आर टू, तो ये ऑपरेशन हमारा वैलिड नहीं। जो एरो से पहले लिखा हुआ, अगर ये ऑपरेशन लगा रहे हो आप, तो जो एरो से पहले लिखा हुआ नंबर आप उसके साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो इसी के साथ में मल्टीप्लाई करोगे। तो ये ऑपरेशन एक अलग था, क्या ऑपरेशन था हमारा सेकंड ऑपरेशन, जैसे आर वन को आप चेंज कर दोगे किसी नॉन जीरो स्केलर से, क्या करोगे किसी नॉन जीरो, ये क्या हमारे पास क्या नॉट इक्वल टू जीरो, किसी नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। लेकिन जब आप कोई दूसरी रो मल्टीप्लाई करके ऐड भी करोगे, तो जो हमारे पास जिसमें ऐड करे उसको आप किसी से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो ये ऑपरेशन वैलिड नहीं होगा। तो इस टाइप के ऑपरेशन वैलिड, यहाँ पर जो कोएफिशिएंट है, जो तीर के बाद जो एरो के बाद जो हमारे पास रो लिखी गई है दोनों सेम ही मिलेंगी, और जो इसका कोएफिशिएंट रहेगा वो हमेशा कितना रहेगा आपका वन रहेगा। तो ये तीनों के तीनों ऑपरेशन है सेम, आप एज इट इज रो पे भी यूज करोगे और कॉलम के ऊपर भी, इन्हीं का यूज करके हम आगे जो क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर वो सोल्व करेंगे। तो ये तीन जो ऑपरेशन आपको अच्छे से याद रखने हैं। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन के बाद जो नेक्स्ट हमारा इसमें टॉपिक है वो हमारे पास इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। जो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, पहली तो हमारे पास इन्वर्टिबल मैट्रिक्स आप पढ़ोगे किस टाइम पे। अब इन्वर्टिबल मैट्रिक्स आपको चेक करनी हो, मान लो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स को इन्वर्टिबल बोलेंगे, और देखो इन्वर्टिबल बोलने वाला तो चीज़ बाद में किस टाइम बोलें, लेकिन हम इन्वर्टिबल अगर कोई पूछ ले भाई इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बताओ ये है कि नहीं है, तो आपको यही पता होना चाहिए हम चेक कौन सी कोई करेंगे इन्वर्टिबल है कि नहीं। तो सबसे पहले मान लो हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है ए, लेट ए बी एन ई स्क्वायर मैट्रिक्स, तो जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो कैसी होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, क्या हो स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए। अब अगर आपको इस मैट्रिक्स के लिए दुनिया के अंदर कोई दूसरी स्क्वायर मैट्रिक्स मिल जाए सेम ऑर्डर की, क्या मतलब दुनिया में दूसरी कोई एक मैट्रिक्स मिल जाए सेम ऑर्डर की,
देयर एग्जिस्ट ए अनदर मैट्रिक्स बी ऑफ सेम ऑर्डर एज ए। अगर एक ऐसी और मैट्रिक्स मिल जाए बी जिसका क्या हो ऑर्डर ए के बराबर, जिसका ऑर्डर सेम हो जितना ऑर्डर ए का हो, तो हमारे पास ए कोई स्क्वेयर मैट्रिक्स और एक दूसरी मैट्रिक्स हमें क्या मिली बी जिसका ऑर्डर क्या है जितना ऑर्डर ए का है, सच दैट, और किस कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर दे, सच दैट ए बी की मल्टीप्लाई करो या बी ए की मल्टीप्लाई करो, या बी को ए के राइट में मल्टीप्लाई करो या बी को ए के लेफ्ट में मल्टीप्लाई करो, और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो कंडीशन क्या है, कोई भी एक स्क्वेयर मैट्रिक्स हो उस स्क्वेयर मैट्रिक्स के लिए आपको बदले में एक मैट्रिक्स क्या लेनी चाहिए बी, ऑर्डर क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, जो ए का ऑर्डर वही क्या होना चाहिए बी का ऑर्डर, और किस कंडीशन को ये फुलफिल कर दे, अब जो मैट्रिक्स आपको मिली है बी वो ए के लेफ्ट में मल्टीप्लाई करो या राइट में मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आना चाहिए हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो हम बी को क्या बोलेंगे यहाँ पर, बी इज इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए, तो बी को क्या बोलेंगे बी इज द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए, तो बी को तो बोलेंगे इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए, और ए को बोल देंगे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो यहाँ पर ए को आप क्या भी बोल सकते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ठीक है भाई, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। और जो ये आपने नई मैट्रिक्स मिली इसका क्या रिलेशन, इसको क्या बोलोगे इसके लिए, तो इसको क्या बोलोगे बी इज द इनवर्स ऑफ ए। तो अब एक चीज़ देखो, तो बी अब यहाँ पर जो आपके लिए काम हुआ है ए के लेफ्ट और राइट में बी को मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया आइडेंटिटी, तो यानी मैं क्या बोल रहा हूँ बी इज द इनवर्स ऑफ ए। अब अगर मैं यहाँ पर जो हमारे पास जो हम ये लेकर चलते देखो ए का और बी का ऑर्डर पहले से सेम था, इनकी पोजिशन चेंज कर दूँ, तो अगर मैं बी की जगह ए की जगह क्या कर दूँ बी और बी की जगह क्या कर दूँ ए, तो ये इनकी पोजिशन चेंज होगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास बी ए और ए बी और आई फिर आना इनके अंदर, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाए तो यानी कि सेम चीज़ हमारे पास दोनों चीज़ इक्वल आगे पीछे कर दो इनको, तो क्या होगा, तो या आप बी को ए का इनवर्स बोलो या फिर क्या बोल दो ए को बी का इनवर्स, दोनों चीज़ें सेम है, बी को ए का इनवर्स बोल दो या फिर क्या बोल दो ए इज़ द इनवर्स ऑफ बी, और ए को क्या बोल सकते तुम ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगी कब होगी, जब एक इसी ए के जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स बी मिले हमें, और जो किस कंडीशन को सेटिस्फाई करे ए को लेफ्ट में या राइट में मल्टीप्लाई करें, तो आंसर क्या है हमारे पास आइडेंटिटी। तो हम बी को क्या बोलेंगे इनवर्स ऑफ ए और ए को क्या बोल देंगे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो बी ए का इनवर्स बोल दो या फिर क्या बोल दो ए इज इनवर्स ऑफ बी इज इनवर्स ऑफ ए या फिर ए इज इनवर्स ऑफ, दोनों एक दूसरे का क्या है ये इनवर्स। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्टिबल कब कहलाएगी, जब एक मैट्रिक्स ए के कोरस्पॉन्डिंग अनदर मैट्रिक्स बी मिले और किस कंडीशन को फुलफिल कर दे ए बी की प्रोडक्ट बी ए की प्रोडक्ट किसके बराबर हो हमारे पास आइडेंटिटी की, यानी कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे तो हम क्या बोलेंगे हमारे पास एक ऐसी मैट्रिक्स है इन्वर्टिबल, और जो नई मैट्रिक्स मिलेगी उसको क्या बोलेंगे ए का इनवर्स। तो ये हमारे पास किसकी डेफिनेशन है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की। अब इसके बाद जो हमारे पास एक मान लो क्वेश्चन ये भी है कि जो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है स्क्वेयर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स भी ठीक है। अब इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बी को हम क्या बोलते हैं इसका इनवर्स, अब मान लो कोई यही कह दे कि बी किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल के दिखाओ, तो अब आप किसी भी मैट्रिक्स का अगर इनवर्स निकालोगे तो हमेशा आपके पास क्या होगा यूनिक होगा, किसी भी मैट्रिक्स का अगर इनवर्स निकालोगे तो क्या होगा यूनिक। तो अब हम वो चीज़ और इसमें एक मिनट एक छोटी सी वो थ्योरम वो और हम इसके अंदर प्रूफ करके देख लेते हैं, अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालोगे तो क्या रहेगा आपके पास यूनिक इसका इनवर्स होगा। तो हमारे पास क्या थ्योरम नेक्स्ट, इनवर्स ऑफ ए स्क्वेयर मैट्रिक्स If exist, it is unique. तो क्या स्टेटमेंट इसकी, अगर इनवर्स ऑफ ए स्क्वेयर मैट्रिक्स क्या करें हमारे पास एग्जिस्ट। अभी हमने जो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसके अंदर क्या था, अगर कोई भी एक स्क्वेयर मैट्रिक्स से है अगर उसके कोरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स बी मिल जाए जिसको ए और बी के लेफ्ट में मल्टीप्लाई करने से या राइट में मल्टीप्लाई करने से क्या आंसर आना चाहिए आइडेंटिटी, तो हम उसी को क्या बोलेंगे उसका इनवर्स। तो इसके अंदर क्या इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स एग्जिस्ट, यानी वो जो बी मैट्रिक्स हमें डेफिनेशन पढ़ी थी वो बी हमें मिलेगी हमेशा एग्जिस्ट इट इज यूनिक। तो हमें अगर कोई मैट्रिक्स मिलेगी जो एग्जिस्ट इनवर्स होगा वो उसका क्या प्रूफ पढ़ना यूनिक, यानी इसके दो इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स के नहीं हो सकते। तो अब इसका जो प्रूफ हमें करना है प्रूफ के अंदर हम क्या करेंगे,
तो कोई भी एक मैट्रिक्स ए लेके चलेंगे, उसके इनवर्स दो मान के चलेंगे, इनवर्स उसके कितने लेके चलेंगे, दो इनवर्स लेके चलेंगे, और हमें प्रूफ क्या करना, उसके इनवर्स क्या हमारे पास यूनिक, तो वो जो दो इनवर्स हम लेके चलेंगे दोनों को क्या प्रूफ कर देंगे लास्ट में इक्वल, तो इसके जो इनवर्स वो क्या हो जाएंगे यूनिक। तो इसके प्रूफ करने के लिए लेट ए बी एनी एम क्रॉस एम मैट्रिक्स, तो ये ए हमने कोई एक एम क्रॉस एम की मैट्रिक्स ली, अब ए मैट्रिक्स ले ली, अब देखो इसने क्या कहा, इनवर्स एग्जिस्ट करता हो, इफ एग्जिस्ट देन इट इज यूनिक, तो इनवर्स इसका एग्जिस्ट करेगा तो तभी तो इनवर्स यूनिक शो करेंगे, अगर एग्जिस्ट ही नहीं करता हो फिर उसकी यूनिकनेस कैसे दिखाओ। तो ए हमने कोई एक मैट्रिक्स ली, तो अब हम इसका इनवर्स क्या दिखाना, यूनिक, तो इसलिए हम क्या कर लेते हैं बी एंड सी, बी टू इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए, तो ये हमने कोई दो इनवर्स मान लिए, एक तो मैट्रिक्स बी और एक मैट्रिक्स सी, जो किसका इनवर्स है ए का, ऑर्डर क्या रहेगा इसका सेम ही होगा। अब एक चीज देखो, बी बी ए का इनवर्स और क्या है हमारे पास, सी भी किसका इनवर्स ए का और बी बी ए का इनवर्स, अभी अगर ये इनवर्स लेट किए दो इनवर्स वाली कंडीशन को, इन्वर्टिबल वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, अगर ए बी इनवर्स है यानी बी ए का इनवर्स बोल दो या फिर ए को बी का इनवर्स बोल दो, अगर ये इसका इनवर्स किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ए को बी के लेफ्ट में मल्टीप्लाई करूँ या फिर राइट में मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आंसर आएगा, आइडेंटिटी। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया हमने, सेकंड क्या, ए को सी का इनवर्स बोल दो या फिर सी को ए का इनवर्स, तो ये भी सेम कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ए सी सी ए की मल्टीप्लाई करो आंसर क्या आएगा हमारे पास, आइडेंटिटी इक्वेशन नंबर सेकंड। तो ठीक है भाई, हमने दो एक मैट्रिक्स है उसके दो इनवर्स लेके चले और प्रूफ क्या करना है इसका इनवर्स क्या होगा, यूनिक। ठीक है भाई, यूनिक होगा तो हमने यूनिक दिखाने के लिए जो दो इनवर्स लेके चले दोनों को क्या दिखाना पड़ेगा, इक्वल। तो क्या प्रूफ करना पड़ेगा तुम्हें, टू प्रूफ क्या तुम्हारे पास, टू प्रूफ B इज इक्वल टू C, तो ये चीज़ हमने प्रूफ करनी। लेकिन अब आप इन दोनों को मान के क्या चलो, इसका इनवर्स इनवर्स मान के चलो, तो उस कंडीशन के तहत ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन मिली हमें। अब जो हमारा टारगेट है प्रूफ क्या करना, हमने B इज इक्वल टू C, ठीक है भाई, तो हम B इज इक्वल टू C दिखाना, तो B लेके चले, अब B मैट्रिक्स है, ठीक है भाई, B को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये चीज़ हम पहले ही पढ़ के हैं, तो आइडेंटिटी वही मैट्रिक्स है जो, तो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी होगी, तो बी के साथ मल्टीप्लाई करोगे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है भाई, तो बी आई, तो बी को रखो एज इट इज, आई की वैल्यू हमारे पास ये रही हमारे पास, तो आई की वैल्यू, आई किसके बराबर बी है, सी ए के बराबर बी है, ए सी के बराबर बी है, ए बी के बराबर बी है, बी ए के बराबर भी, कोई सी वैल्यू यूज़ कर दे। तो अब यहाँ पर आई किस पर अगर मैं ए सी यूज़ करूँ तो क्या वैल्यू पुट कर दें हम, ए सी, क्योंकि हमें बी किसके बराबर दिखाना, सी के बराबर, ठीक है भाई। तो अब मल्टीप्लिकेशन में हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी, मल्टीप्लिकेशन की रिस्पेक्ट कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करती है इसके अंदर, एसोसिएटिव, तो इस चीज़ को मैं क्या लिख दूँ, बी ए सी, यूँ लिख दो इसको। अब बी ए के ऊपर से वैल्यू देखो, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से वो किसके बराबर, आई के बराबर, तो ये क्या हो गया हमारा आई सी, और ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो किसके बराबर, सी के बराबर, तो हम बी लेकर चले तो किसके बराबर हो गया हमारे पास, सी के बराबर, यानी बी इज इक्वल टू सी। तो यानी कि हम ए मैट्रिक्स के जो दो इनवर्स लेके चले थे वो दोनों आपस में क्या हो गया हमारे पास, इक्वल। तो क्या इसका निष्कर्ष निकला, अगर आपके पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो अगर उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो वो हमेशा क्या होगा, यूनिक। करना आपने कुछ भी नहीं है, कोई एक मैट्रिक्स ली हमने एम क्रॉस एम ऑर्डर की, दो इसके इनवर्स लेट किए, एक बी और एक सी, अगर ये इसके इनवर्स लेट किए हैं तो मैं ए को ए के लेफ्ट और राइट में बी को मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आएगा, आइडेंटिटी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ से निकल गई। सिमिलरली अगर सी को लेफ्ट या राइट में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आंसर, आइडेंटिटी, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमें इनवर्स को दिखाना क्या इसके अंदर, यूनिक, यूनिक दिखाना, तो दो इनवर्स लेट करके चलो दोनों को क्या दिखाना पड़ेगा, इक्वल। तो यानी हमारे पास टारगेट क्या, बी इज इक्वल टू सी, तो मैं बी लेके चला, बी को आप क्या लिख सकते हो, बी इंटू मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो क्या होगा, बी इंटू आई, आई की वैल्यू क्या रख दी मैंने यहाँ से, ए सी, तो मल्टीप्लीकेशन के अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, तो इस चीज़ को मैं क्या भी लिख सकता हूँ, बी ए इंटू सी, तो बी ए की वैल्यू यहाँ से इक्वेशन नंबर फर्स्ट से उठा करके क्या रख दिया हमने, आई, आई को सी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा हमारे पास, सी। तो क्या निष्कर्ष निकल गया हमारे पास यहाँ से, बी इज इक्वल टू सी। तो ये हमारे पास एक थ्योरम थी इसके अंदर, तो ये मैट्रिक्स के जो 3.4 इसका कुछ बेसिक्स है। अब आगे हम इसके जो 3.4 उसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।